उत्तराखंड थाना क्षेत्र में आए कोसी नदी के बहाव के कारण गणेश घाट के ग्रामीणों का संपर्क टूट जाने के बाद ग्रामीणों के मकान भी बाढ़ के पानी से ढह गए और ग्रामीण सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे, जबकि इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों के कच्चे मकान भी बाढ़ के पानी से ढह गए। कोसी नदी ने मुंडा पांडे क्षेत्र के कई गाँवों में जमकर तबाही मचाई थी। इसके बाद रस्सी के सहारे फंसे तमाम ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। जब पानी उतरना शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पानी उतरने के बाद ग्रामीणों की मुसीबत और बढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश घाट में हिम्मत सिंह, छेदालाल, दिनेश, मोहन, कुमारपाल, मंगली, देवेंद्र, ब्रह्मपाल, कुमार सेन, अमर सिंह, फिरासत, इकबाल, मदन, शीला, निर्मला, जगत सिंह, गिरधारी, गंगा देवी, छोटे, नूर बसर आदि के मकान गिर जाने से मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है और ग्रामीण सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे हैं। मेरा नाम मुन्ना सिंह सागर और सुरेश पाल सिंह है। मैं ग्राम प्रधान गणेश घाट मुंडा पांडे मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ। मेरे यहाँ जब से बाढ़ आई है तब से पूरी बाढ़ ने पूरी खेती नष्ट कर दी है। और मेरे यहाँ मेरे गांव में आने के तीन रास्ते थे, जो दो रास्ते बिल्कुल टूट चुके हैं, जिसकी पुलिया भी गायब हो चुकी है। मेन रोड पूरी नीचे घुस चुकी है, सारी टूट गई है। और मेरे यहाँ जो गणेश घाट गाँव, मेरे गाँव में 20-25 घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हुई उन लोगों? खाने पीने की व्यवस्था खुद स्वयं लोगों ने की है। हमने सबसे पूछा गया, भाई कोई मदद की अगर आवश्यकता हो तो बोले भाई अभी कोई जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे आपसे। अच्छा, यहाँ पर कोई अधिकारी मुरादाबाद से SDM वगैरह या कोई? अभी तक अधिकारी कोई नहीं आया है मेरे यहाँ। ना तहसीलदार साहब आए, ना SDM साहब आए, ना DM साहब आए, किसी का दौरा नहीं हुआ। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मैंने संपर्क किया, फ़ोन पे भी संपर्क किया, यहाँ तक कि लेखपाल तक मेरे गांव में नहीं आए अभी। आप क्या चाहते हो, जैसे अब यहाँ पर बाढ़ का पानी आ चुका है तो आप क्या चाहते हो उनका? बस मैं निवेदन करूँगा सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन करूँगा सबसे, कि मेरे गाँव में जो नुकसान बाढ़ से नुकसान हुआ, खेती का टोटल 100% खेती बह गई लोगों की। और जिन घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिनकी दीवारें टूटी हैं, मकान ढह गए हैं, मैं निवेदन करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको तुरंत बनवाने का काम करें। गणेश घाट जी, थाना मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। क्या नाम क्या आपका? फिरासत। बाढ़ से क्या क्या परेशानी आई आप लोगों को? बाढ़ से सारी परेशानी है जी, टोटली परेशानी है। सारा सामान बेकार हो गया और मकान देख लीजिए जी कैसा है। कौन से घर में रहते हो? ये सामने वाला घर है। अच्छा, अरे जी, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप पानी में निकल कर गुजरना पड़ा होगा आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कैसे निकल रहे हो घरों में सर? बस पानी में निकल रहे हैं। पानी में निकल रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था क्या है आपके पास? पड़ोस के घर में रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। पड़ोस के घर से खाना जाता है। कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? अभी कोई अधिकारी, किसी ने कोई चेक नहीं करा, कुछ नहीं करा। कितने दिन हो गए पानी में निकलते हुए आपको? 3 दिन हो गए लगभग। 3 दिन हो गए सर, बच्चे भी बीमार हो गए निकल गए। अच्छा, बीमारी में क्या बीमारी चल रही है? बुखार, जाड़ा बुखार। चाचा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, यहाँ पर जो बाढ़ आई है इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं? मैं तो बहुत सा नुकसान हुआ साहब, किसी का घर गिर गया, किसी की दुकान बैठ गई, किसी के धान बह गए, नुकसान ही होगा। अच्छा, यहाँ से कोई प्रशासन वगैरह कोई यहाँ पर आया? अभी कोई नहीं आया, अभी आया साहब। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कानून से सहायता मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। कौन सा गाँव है ये? गणेश घाट। गणेश घाट। कितना पानी था और क्या क्या नुकसान हुए हैं यहाँ पर फसल में? यहाँ पर धान सब लोगों के लाई गए हैं, किसी ने उठाए, जिनने कंप्लेन कटवा दी है। लाई हुई, लाई गाँव, लाई मटर, लड़की, कलम गुल्लम वगैरह सभी तरह से नुकसान है। कसा के धनिया प्याज मेरे 1-1 लाख रुपये मिर्चों में लगा हुआ, आज पैसे नहीं है, वफादार बेचारा गरीब कटा हुए धान। समझे? मेरा नाम बुद्ध चंद सैनी, मैं गांव गणेश घाट से, थाना मुंडा पांडे, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, बहुत भयंकर बाढ़ है ये। काशगार बहुत दुखी है, हर बात से परेशान है। चारे के लिए कुछ नहीं है, सब बह गया है। और धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिनके कटे धान थे वो सब बह गए हैं, मतलब पूरी फसल बर्बाद है। किसान बहुत परेशान है, सदमे में है काफ़ी। और अच्छा, कितने परिवार होंगे आपके गांव के अंदर? हमारे गांव जिनके घरों में पानी घुसा है? पानी घुसा है, कम से कम 60 परिवार हैं जो गांव में पानी, चारों तरफ पानी और घरों में घुसा हुआ है। चारों तरफ 60 परिवार हैं ऐसे जो किसी के मकान धसे हैं, किसी की दुकान धसी है। बहुत ज़्यादा नुकसान है,
बहुत परेशानी है। अच्छा, जैसे आने जाने का रास्ता वो आपका ठीक है? जाने का रास्ता पूरा बंद, जो हाईवे से रास्ता आता है उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं। कोई रास्ता 24 घंटे तक रास्ता बिल्कुल बंद है, बस एक ही रास्ता है जो हम जा रहे हैं इस समय, उसमें भी पानी, उसमें भी पानी भरा हुआ है। सब रास्ते चारों तरफ बंद हैं, बहुत बड़ी परेशानी है इस समय, और प्रशासन जो है सहायता दे जरूर।